हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। हामला औरत के रोजे का हुक्म यह है कि वो अगर ये महसूस करती है दयानतदारी के साथ, इसलिए कि दीन जो है वो दयानत से, बददयानती तो दीन में नहीं, वो दयानत से अगर ये देखे कि मेरा रोजा रखने से खुदा ना खास्ता इस्कात हमल हो जाए या हमल पर असर अंदाज हो या वो अपने अंदर इतनी कमजोरी पाए कि रोजा तोड़ने पर मजबूर हो, अब ये या तो उसको तबीब कहे या उसका खुद अपना मुशाहदा। तबीब में उलमा ने ये कैद लगाई, कोई हाजिर नेक गैर फासिक तबीब कहे कि तुम रोजा रखोगी तो तुम्हारे मर्ज में या इस मामले में ज्यादती होगी और तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि जो तबीब शरीयत का पास रखने वाला वो अपने मरीज को गलत मशवरा नहीं देगा, इसलिए इसमें कैद लगाई गैर फासिक तबीब। अब वो रोजे को छोड़ सकती, अब रोजा छोड़ने के बाद हमें वजा हमल के बाद जल्द अज जल्द अपने उन रोजों को जो छूटे हैं उनको कजा करें, इससे फिदिया से काम नहीं चलेगा बल्कि सारे रोजे उसे कजा करने होंगे। बल्कि हम तो अपने सामने उठने बैठने नशीस व बरखास्त वालों को ये मशवरा देते कि जैसे शबे बरात का रोजा रखते, शबे मेराज का रोजा रखते, मुहर्रम का रोजा रखते, बाज हजरा तो माशाल्लाह 10 दिन रखते, शव्वाल के 6 रोजे रखते, इन तमाम रोजों में नियत ये करें रोजा रखते वक्त के अल्लाह तबारक व ताला मेरा जिंदगी का पहला, ये कहना जरूरी, या मेरी जिंदगी का आखिरी रोजा जो कजा हुआ है फर्ज उसके अदा करने की नीयत करता। जिंदगी इतनी है हमें याद नहीं कोई रोजा छूट गया हो, और यह भी मुमकिन है इफ्तारी में कभी नशेब व फराज हो गया, यह भी मुमकिन है कि सहरी में कोई हमसे गलती हो गई रोजा नहीं हुआ। अब क्या होगा इन रोजों में फर्ज रोजे की जब आप नीयत करें, आपके जिम्मे अगर फर्ज होगा तो नीयत की वजह से आपका फर्ज रोजा अदा हो जाए, और अगर आपके जिम्मे फर्ज नहीं है तो वो पूरा का जो है वो अज खुद नफिल हो जाएगा। तो जब भी नफल रोजा रखें उसमें ये नियत करें ताकि आपके जिम्मे फर्ज हो तो फर्ज अदा हो जाए, अगर फर्ज ना हो तो वो अज खुद जो है वो नफल हो जाएगा। जी जी पूछिए।